कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने आज पत्र परिषद लेकर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पर कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही चंद्रपुर में गडकरी द्वारा दिए गए शिलाजीत वाले भाषण पर आपत्ति जताई है। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो सिर्फ एक जुमला है और कुछ नहीं, यह कहना है नाना पटोले का। उन्होंने आज पत्र परिषद लेकर बीजेपी के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते है। महाराष्ट्रामध्ये कायदा सुव्यवस्थाच बिघडलेला आहे। सलमान खानच्या घरासमोरचे ज्या गोळीबार झालेला आहे, याचा अर्थच राज्यामध्ये अनेक घटना ज्या घडतात आहेत। इंदापूरमध्ये घटना घडली, मागून गोळ्या मारून त्याला कोयत्याने कापलेलं चित्र आपण महाराष्ट्राने पाहिलं, देशाने पाहिलं। सलमान खानच्या घरासमोर गोळीबार झाला, त्याचं कारणसुद्धा जे सत्तेमध्ये लोकं बसलेली आहेत। सगळ्यात भयानक गोष्ट अशी आहे की चंद्रपूरला भाजपच्या उमेदवाराच्या प्रचाराला सुसंस्कृत नागपूरच्या आत्ताच्या उमेदवाराने देशाचे ते कायम प्रधानमंत्री बनण्याचं स्वप्न दाखवतात। 14 प्रधानमंत्री बनणार होते, मुंगेरीलाल के हसीन स्वप्ने आहे त्यांचं, गडकरीचं। पण त्या ठिकाणी एका काँग्रेसच्या महिला उमेदवारांच्या समोर जो भाजपचा उमेदवार मुंगट्टीवार आहे, त्याला सांगितलं की हा शिलाजीत खाल्लेला पहलवान आहे। आता शिलाजीत कशासाठी खाल्लं जाते, म्हणजे ही संस्कृती समजा भाजपला नसेल, महिला उमेदवाराच्या समोर असलेल्या पुरुष उमेदवाराच्याबद्दलचं असं गडकरी म्हणत असेल तर त्याचा निषेध केला पाहिजे। आणि अशा असंस्कृत मानसिकतेच्या लोकांना आता सत्तेमध्ये जीव दिलं नाही पाहिजे। आणि अशा पद्धतीचं व्यभिचारी भूमिका मांडायची लोकांच्या समोर, आणि मग राज्यामध्ये कायदा सुव्यवस्था कुठं राहणार? एक केंद्रातले मंत्री असलेले प्रधानमंत्र्याच्या दावेदार असलेले कायम प्रधानमंत्र्याच्या दावेदार असतात, ते कधीच त्यांना प्रधानमंत्री बनता येणार नाही। पण ही जी काही परिस्थिती आज आहे, ही भयावह आहे। परवा गडकरींनी चंद्रपूरमध्ये जे भाषण केलं त्याचा आम्ही निषेध करतो, आणि त्यांनी जाहीर माफी मागितली पाहिजे की महिला उमेदवारांना या पद्धतीचा चॅलेंज दाखवणं की शिलाजीत खाल्लेला उमेदवार आमच्याजवळ आहे, हे असंस्कृतपणाचा जी काही भूमिका गडकरींनी मांडलेली आहे त्याची जाहीर माफी मागितली पाहिजे, ही भूमिका काँग्रेस पार्टीची आहे। वही चंद्रपूर में नरेंद्र मोदी की सभा में शिलाजीत पर दिए गए बयान पर पटोले ने आपत्ति जताते हुए कहा कि एक महिला प्रत्याशी के विरोध में इस तरह का बयान देना गलत बात है। इसके साथ उन्होंने गडकरी द्वारा माफी मांगने की भी मांग की है। बीजेपी का घोषणा पत्र जुमले का है, और ये जुमले का घोषणा पत्र बीजेपी का अब नहीं चलेगा। अभी और किसान की याद आई, गरीबों की याद आई, युवाओं की याद आई, तो ये 14 में भी इनने कहा था, 2019 में भी कहा था, और वही घोषणा पत्र उसकी कॉपी निकाल के इन लोगों ने लाया है। और उस आधार पर ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने गए 10 में अदानी और उनके कुछ उद्योगपति मित्रों के लिए ही सत्ता चलाई है, और ये अदानी की सरकार अब नहीं चलेगी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सरकार चलेंगी और जो जनता के लिए काम करेगी। और जिस तरह से कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है उसको देश की जनता ने एक्सेप्ट किया है, और राहुल जी की लीडरशिप को लोगों ने मान्य किया है, बीजेपी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को लोगों ने सत्ता से बाहर निकालने का मानस बना लिया है। कांग्रेस फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दे पर घेरना चाहती है। बीजेपी के नेताओं के विवादित बयान कांग्रेस के लिए भुनाने वाला मुद्दा साबित हो रहे हैं। ऐसे में सोच समझकर बोलना ही प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ प्रकाश श्रृंखलवार की रिपोर्ट।